ग्वालियर में एनएचएम की भर्ती परीक्षा के पेपर 15 लाख रुपए बेच रहे आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में आधा दर्जन आरोपियों को क्राइम ब्रांच पुलिस ने जिले के एक होटल पर छापा मार कर हिरासत में लिया है। पकड़े हुए आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनके पास से एनएचएम भर्ती परीक्षा के पेपर बरामद हुए हैं। वहीं आनंद फानंद में इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार जिस वक्त छापे की कार्रवाई हुई उससे थोड़ी देर बाद ही पेपर होना था। फिलहाल क्राइम ब्रांच आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। ये अभी क्राइम ब्रांच ने अभी जस्ट कुछ लोगों को, कुछ युवकों को हिरासत में लिया है और कुछ उनके पास सामग्री मिली है, और हमें पूरी आशंका है जो अभी पता चल रहा है कि अभी 3 साढ़े 3 बजे से जो एनएचएम का नर्सिंग स्टाफ का पेपर था उससे संबंधित कुछ ये सामग्री जो है स्टूडेंट्स को या जो परीक्षार्थी हैं उनको ये दे रहे थे, बेच रहे थे।